ब्रह्मा को बाबा कहते हैं, शिव बाबा को भी बाबा कहते हैं, परंतु शंकर को और विष्णु को बाबा नहीं कहते। शिव बाबा के कितने बच्चे हैं? शिव बाबा के पहलौटी के 3 बच्चे हैं, जिनके साथ शिव बाबा आता है। तो 3 बच्चे जुड़वा हैं, जुड़वा पैदा होते हैं या नंबरवार पार्ट बजाते हैं? पैदा तो 3 साथ साथ होते हैं। मैं अकेला नहीं आता हूँ, उसके साथ आता हूँ, 3 मूर्तियों के साथ आता हूँ, परंतु 3 मूर्तियां पार्ट बजाती हैं नंबरवार। पहली मूर्ति ब्रह्मा, वृद्ध तन में आता हूँ, 60 साल की वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। तो वृद्ध होने के कारण उनको क्या कहा जाता है? बाबा कहा जाता है। और बाबा ग्रैंडफादर को भी कहा जाता है। मुझे कहते हैं परम पिता। 500 करोड़ प्रजा है, माने 500 करोड़ बच्चे हैं। प्रकृष्ट रूपेण जायते, ज्ञान से उनका जन्म होता है सृष्टि के आदि काल में। तो उनका बाप है प्रजापिता, फिर प्रजापिता का बाप कौन? शिव बाबा कहेंगे, शिव बाप। तो वो बाबा हो गया। ये गृहस्थी की बातें हैं और प्रैक्टिकल बातें हैं, बाकी रही शंकर और विष्णु। कहते हैं देव देव महादेव, देव ब्रह्मा, देव विष्णु और महादेव शंकर। तो 3 देवताओं में बड़ा भाई कौन? शंकर बड़ा भाई हो गया, उसको ताऊ कह सकते हैं। बाबा नहीं, ब्रह्मा को बुढ़ापे के कारण बाबा कहते हैं। शंकर बड़ा है देवताओं में, इसलिए ताऊ है, इसे बाबा नहीं कहेंगे। हाँ, उसमें जो पार्ट बजाने वाला 3रा नेत्र है वो शिव बाबा है, शरीर के साथ है इसलिए बाबा है। निराकार और साकार का मेल है इसलिए शिव बाबा है। और विष्णु तो चाचा है, न ताऊ है न बाबा है। कौन बोल रहा था? बाबा एक प्रश्न, क्या चीज जैसे उस द्वापर युग में चालू होता है, जैसे 2010 चल रहा है, उस हिसाब से मतलब ये 2500 वर्ष का होता है ना?
अमर और सभी मिला के 2500 होना चाहिए, 2036 में खत्म हो जा रहा है। 2036 में खत्म हो जा रहा है ये, क्या खत्म हो जा रहा है? जैसे सब्सिडी 2033 से चालू होगा ना, 2036 से 33 से सब्सिडी चालू हो जाएगा। हाँ जी, तो जैसे 2500 वर्ष का होना चाहिए ना दोनों मिला करके, 2036 ही आता है वो करना। क्या कह रहे हैं ये द्वापर का युग दोनों मिला के 2500 वर्ष होना चाहिए ना? हाँ जी, 2036 ही आ रहा है ना, संगम युग ऐड हो गया ना, कितने समय 50 वर्ष कलयुग में से और 50 वर्ष सतयुग में से। क्या तो कभी 2500 वर्ष नहीं होता है बाबा? है 2500 वर्ष नहीं होता है? हाँ,2036 तक क्यों नहीं हो रहा है? 2018 से संबत एक एक शुरू होगा, 2018 से संबत एक एक शुरू होगा ना, 2018 ये 2000 मनुष्यों का बनाया हुआ है, यह भगवान ने बताया है? भगवान ने तो नहीं बताया। तो फिर जो भगवान की बताई हुई चीज है वो एक्यूरेट है, तो क्लेरिफिकेशन कैसे देंगे है? उसको क्लेरिफिकेशन किस तरह से देंगे? बता तो दिया, नई दुनिया की शुरुआत तब से होती है जब से पहला परिवार की इकाई शुरू होती है, तब कहेंगे संबत एक एक एक, जो लक्ष्मी नारायण के चित्र में लगा हुआ है, संबत एक एक से लेकर 2500 वर्ष। इसवी सन कब से शुरू है? इसवी सन ये कब से शुरू होगा? 21वीं सदी कब से शुरू होगी? नहीं, इसवी सन की शुरुआत कब से? 2018 से। जैसे द्वापर युग का जो पहले काउंटिंग नहीं होता था ना, पहले काउंटिंग नहीं होती थी इसलिए कि दुख नहीं था, इसलिए दिन गिनने की जरूरत ही नहीं थी। जब दुख पड़ना शुरू हुआ, अधविनाश हुआ सृष्टि में, तो लोग दुखी हो गए, फिर दिन गिनना शुरू हुआ। जैसे जैसे नई नई जातियों प्रजातियों की शक्ति शुरू होती गई, वैसे वैसे उनके संबत शुरू होते गए, और संबत भी बाद में बने हैं, ऐसे नहीं विक्रमादित्य के जन्म लेते ही विक्रमादित्य संबत शुरू हो गया, या क्राइस्ट के जन्म लेते ही किसके संबत शुरू हो गया, या मोहम्मद के जन्म लेते ही मुस्लिम संबत शुरू हो गया, हिजरी संबत नहीं, उनके जन्म लेने के बहुत दिन के बाद संबत उसकी शुरुआत होती है, तो उसमें फेर पड़ जाता है, सच्चाई नहीं रहती है। और बाबा जैसे आएगा प्रश्न था, जानवर जब मर रहे जानवरों की संख्या आत्मा कम हो जा रही है, जानवरों की संख्या घटते जा रही है, पहले जिस बोल रहे थे हिंसक जानवर थे, कभी कहाँ चले गए उसके? जानवरों की संख्या भी बढ़ रही है, बताना नहीं लुप्त हो रहे हैं, कौन से लुप्त हो रहे हैं जिन्हें तुम बता रहे हो डायनासोर? नहीं नहीं, ये चौपाई जानवर हैं, बहुत सारे जानवर पहले से कम हो गए। जानवर कम हो जाते हैं तो क्या हुआ, चौपाई दूसरे बढ़ जाती? अरे जब गधा और घोड़े का संक्रमण हो सकता है और नई प्रजाति शुरू हो सकती है, तो क्या दूसरे चौपाइयों का संक्रमण नहीं हो सकता? नई प्रजाति शुरू हो जाती है। और हाँ, जो जीते जी जाने वाली स्वर्ग जाने वाली आत्मा है वो तो वापिस नहीं जाएगी। जीते जी, जीते जी स्वर्ग जाने वाली, जो जीते जी स्वर्ग जाने वाली आत्मा है वो वापिस नहीं जाएगी।
सीते जी स्वर्ग में जाएंगे, माना पुराना चोला छोड़ेंगे नहीं। बाबा तो ऐसे बताते कि कैसे बताते, जीते जी स्वर्ग जाएंगे। जीते जी स्वर्ग जाएगा का मतलब ये हुआ उनकी शरीर में रहते ही ऐसी स्टेज बन जाएगी कि वो दुख नहीं भोगेंगे सुख भोगेंगे। इस दुख की दुनिया में रहेंगे लेकिन दुख की दुनिया में रहते हुए भी उनकी मन बुद्धि पहले ही उपराम हो जाएगी। लेकिन बाबा ये प्रकृति का जो नियम है कि जो एक बार शरीर छोड़ देते हैं या शरीर से निकल जाते हैं वो दोबारा उस शरीर में नहीं आते, तो फिर वो आत्माएं कैसे आएंगी? उस शरीर में कहाँ आवेंगे? वो शरीर जब बर्फ में दबते दबते सत्व प्रदान हो जाएगा तब उस शरीर में सात्विक शरीर में प्रवेश करेंगे। प्रजापिता वाली आत्मा भी वो भी बर्फ में दबेगी। आत्मा थोड़ी दब दबती है, शरीर दबेगा। उनकी भी शरीर दबेगा, उनकी भी शरीर बर्फ में दबेगा। सारी सृष्टि पर एक बार के लिए पानी ही पानी हो जाएगा, बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। तब प्रकृति सत्व प्रधान बनेगी। मनुष्य का शरीर और पांच तत्व से बना है, जल अग्नि आयु आकार, कैसे तात्पर्य कैसे होगा? है कैसे तात्पर्य है? मैंने पृथ्वी कौन है, तात्पर्य क्या होगा इसका? तात्पर्य क्या है, क्या है इसका? कैसे सामान्य करेंगे? पृथ्वी अपने कहाँ समाई, अग्नि कहाँ है, वायु कहाँ है, आकाश कहाँ है? शरीर में आकाश नहीं है, कैसे होगा? मुख में आकाश नहीं भरा हुआ है, अग्नि कैसे होगा? अरे खाना कैसे पचता है? अग्नि है तभी तो खाना पचता है, और शरीर में वायु नहीं भरी हुई है, पात्रों कैसे होता है? वायु तो भरी हुई है, अग्नि भी है। तीन हिस्सा जल होता है शरीर में और एक हिस्सा हड्डी मांस मज्जा होता है। जैसे कि दुनिया में पृथ्वी पर तीन हिस्सा पानी भरा हुआ है और एक हिस्सा जमीन है, ऐसे ये शरीर की भी तुलना है। ये भी मनुष्य का विराट रूप है। और कैसे एडवांस ज्ञान में बाबा आत्मिक स्थिति का मतलब क्या है? अच्छा देह की स्थिति का मतलब क्या है? देहभान का मतलब क्या है? अगर देहभान का मतलब याद है तो आत्माभिमान का मतलब भी याद हो जाएगा। देहभान का मतलब है देह के भान में रहना, देह की स्मृति रहना। चाहे अपनी देह की स्मृति रहे, चाहे किसी दूसरे की देह की स्मृति रहे, संबंधी की स्मृति रहे, पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों में भी लगाव हो जाता है, उनकी स्मृति रहे, वो है देहभान की स्मृति। और एक स्टेज ऐसी है जिसमें देह की स्थिति नहीं रहेगी, उसका फाउंडेशन है आत्मा की याद। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, वो बिंदु ही याद बना रहे। बिंदु अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता, और देह विनाशी है। देह का रूप बदलता रहता है, आत्मा का रूप बदलता नहीं है। हाँ सत्व प्रधान तमो प्रधान होती है लेकिन सदैव ज्योति बिंदु है। आज भी ज्योति बिंदु है और सदैव ही ज्योति बिंदु रहेगी। तो आत्मिक स्थिति का मतलब है आत्मा की याद।
स्टार की याद, उस याद के लिए प्राचीन ऋषियों महर्षियों ने बिंदी लगाने की प्रथा जाहिर की थी। बाद में देवभान बढ़ते बढ़ते वो बिंदी लगाने की प्रथा सौंदर्य बोधक हो गई, सुंदरता दिखाने का साधन रह गई। ये बात भूल गए कि हम आत्मा हैं और दूसरे भी बिंदु आत्मा। अभी वही प्रैक्टिस फिर करनी है। बिंदी लगाने की बात नहीं है, क्या बात है, बिंदी को याद रखने की बात है। हम स्वयं भी ज्योति बिंदु और दूसरों को देखें तो भी ज्योति बिंदु को देखें। आत्मिक स्थिति में रह करके कोई काम करने से पाप होता है क्या? अगर 100% आत्मिक स्थिति है, अंश मात्र भी देहभानि की स्थिति नहीं है, तो आत्मिक स्थिति में रहने वाले का कोई पाप या पुण्य नहीं बनता है। जैसे देवताओं का 2000 वर्ष देवताएं आत्मिक स्थिति में रहेंगे, वहां उनका कोई पाप और पुण्य बनता है क्या? बनता है न, पाप बनता है न पुण्य बनता है। बतन 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 माने के शरीर शरीर बतन माने शरीर बसन बतन 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 माने बतन। सभी आत्माएं निराकार ही है, लेकिन नाम बोला जाता है तो शरीर का बोला जाता है या आत्मा का बोला जाता है? निराकार आत्मा होते हुए भी साकार शरीर का नाम था कबीरदास। साकार को नाम था कबीरदास। हाँ जी, उनको चेला बोलते हैं, उनको साकार ही है? नहीं था। उनको चेला बोलते हैं, उनको शरीर नहीं, उनके चेला बोलते हैं। चेला तो जैसा उनको पढ़ाई पढ़ाई जाएगी वैसा ही बोलेंगे। उनको चेला बोलते हैं, चदरिया भीनी भीनी रे, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया भीनी भीनी रे, सो चादर सर मुनि सुर मुनि नर ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नी चदरिया, चदरिया भीनी भीनी रे। अब बताओ, उन्होंने तो अपने को भगवान बता दिया कि कबीर दास जी ये शरीर रूपी चद्दर ऐसे ओढ़ते हैं, ऐसे यूज करते हैं, ऐसे भोग भोगते हैं शरीर रूपी चद्दर से कि कोई भी पाप पुण्य नहीं लगता। ऐसा काम भगवान का है या मनुष्य का है? भगवान का है। दोनों बोलते नहीं है, और मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का काम नहीं है, मनुष्य का क्या क्या काम नहीं है? उनको शरीर नहीं है। किनको शरीर नहीं है? तो बोलते कैसे थे? तो उनको शरीर होना, अगर शरीर नहीं था तो बिना शरीर के बोलेंगे कैसे? तो शरीर नहीं, अरे तो बोलेंगे कैसे? हमारी बात का जवाब दो पहले। वो बोलते ऐसा ही उनको शरीर हो जाता, अभी मिला जाएंगे अभी हो जाएंगे। इसीलिए तो बताया उनके गुरु कबीर अपने को भगवान साबित कर दिया चेलों के सामने, और चेलों ने मान लिया।
तो कुछ भी बोलेंगे कुछ भी मानेंगे। वो चीज तो हम मानने के तैयार ही है, वो बोलते ना ये चीज है तो मेरा पर तू गुरु मानो और मैं तेरा गुरु मानू। उसको सब बहुत झमेला झगड़ा हुआ था मैंने ज्ञान को लेकर के, फिर एक डेढ़ घंटा उनको पास में हमको झगड़ा करना। ज्ञान में झगड़े की क्या बात है, कोई बात मानता है तो ठीक, नहीं मानता है अपने आगे बढ़ो। हमको बोला कि वो पागल हो गया बाबा बाबा करते करके वो पागल हो गया, इसलिए उसको बाहर दिया बाबा बाबा करते करके पागल है। प्रश्न है मित्र संबंधियों को श्रीमत पर चिट्ठी लिखनी है, श्रीमत पर नहीं लिखेंगे तो उनका कल्याण ही करेंगे। तो बाबा मित्र संबंधियों को कैसे चिट्ठी लिखना है? अरे इसका मतलब पूछने वाले को बुद्धि में ये नहीं बैठा है कि श्रीमत क्या है। श्री माने श्रेष्ठ और मत माने अकल। संसार में जितने भी मनुष्य मात्र हैं, उन मनुष्यों के बीच में हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ अकल वाला किसको मानते हैं? जिसको मानते हैं उसी की श्रीमत है। कदम कदम पर श्रीमत लेना है तो कैसे लेंगे? किताब से पढ़ के लेंगे क्या? नहीं, हम जिसको गुरु माने बजनी समझते हैं और गुरुओं में भी सदगुरु समझते हैं, सदगति देने वाला दाता समझते हैं, उसकी मत पर हम चिट्ठी लिखेंगे तो सदगति होगी। खुद ऐसा कुछ लिखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ ऐसी बात मायावी मिक्स जरूर हो जाएगी। जो मत संबंधियों का कल्याण कर देगी, इसलिए जो भी लिखे उसको श्रीमत से टैली कर ले, वेरीफाई करा ले। और शंकर जी के भक्त के सरिया वस्त्र क्यों पहनते हैं? शंकर भगवान के जो भक्त होते हैं वो केसरिया रंग के वस्त्र पहनते हैं और नारा लगाते हैं बोर का। झंडे में ऊपर का जो वस्त्र होता है वो कौन से रंग का होता है? क्यों होता है? क्योंकि शंकर के चोले ने जो भी पार्ट बजाया है वो सिंह का पार्ट बजाया है, सिंह को केसरी कहा जाता है। वो केसरी पार्ट बजाने वाला है उसको क्रांतिकारी कहा जाता है। ये क्रांति का पार्ट शंकर का है, वो अकेले कुछ काम नहीं करता, उसके फॉलोअर्स भी हैं, वो फॉलोअर्स भी केसरिया बाना पहनते हैं। बम बम, क्योंकि ज्ञान के बम फोड़े हैं तो बम बम का नारा लगाते हैं। ज्ञान से ही दुनिया का परिवर्तन होता है, बाद में स्कूल बसों से परिवर्तन होते जो सोचते रहते हैं सो इस सपने में देखते रहते हैं, कोई क्या देखते हैं कोई क्या देखते हैं,
कोई क्या संकल्प करते हैं, कोई क्या संकल्प करते हैं। ये संकल्पों की और स्वप्न की गति चलती रहती है। अरे दो दो नहीं बोलो, नीचे कोई बोल रहा है। हाँ तुम बंगला में बोलो ना। हिंदी तो आगे तो राज्य करती बाबा बाद में भूल जाता है। नहीं भूलता है, वो आप ऐड कर रहे हैं। माता जी बोले की माता जी बोल रही बहुत अच्छा याद आता है। जब हम याद में बैठते हैं तो अच्छा चेहरा याद आता है, आपका चेहरा याद आता है। और ये कह रहे बाद में भूल जाती है माता, उन्होंने ऐड कर दिया। अच्छी बात है, याद भी बैठे आप लोग। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा बोलो बोलो। हाँ ये रहस्य क्या है? खेल 5000 साल का रहस्य जानना चाहती है। चलो 5000 साल का जो अपना है ना, इसका रहस्य जाना, जिंदा मरना यही इसका, ये जितना चलता है। जिंदा रहना और मरना उनमें दो बातें हो गई ना, एक तो जिंदा रहना सुख में, और एक खेल ऐसा है 2500 साल का जिसमें मरना होता है लेकिन दुख से मरना और दुख से जीना होता है। तो आधा खेल है सुख का और आधा खेल है दुख का, यही रहस्य। ये रहस्य में खेल है सुख दुख का। कोई तो ज्यादा लंबा टाइम अपना सुख बना लेता है, कोई ज्यादा लंबा टाइम अपना दुख बना लेता है, ये रहस्य है। ऐसे ही आप 5000 वर्ष सुखी सुखी रहेंगे। 3 हिस्सा आपको सुख है और 1/4 दुख है, और दुनिया को आधा दुख और आधा सुख। और लास्ट में जो आत्मा जन्म लेती है कलयुग के अंतिम जन्म के भी लास्ट में, उनको तो सारा ही दुख ही दुख है। उनके भाग्य में सुख जैसे कि है ही नहीं। पतंगे के मुआफिक जन्म लेना और पतंगे के मुआफिक सवेरे ही सवेरे खत्म हो जाना, तो आपका तो बहुत अच्छा है। और लक्ष्मण में इतनी पचाने की ताकत नहीं है, समाने की ताकत नहीं है, क्योंकि जो लक्ष्मण वाली आत्मा है दूसरे धर्म का बीज है, यह देवी देवता सनातन धर्म का बीज है, तो ज्यादा समाने की ताकत किसमें होगी? देवी देवता सनातन धर्म की जो समाने की ताकत है वो कोई भी दूसरे धर्म में नहीं हो सकती। ठीक है, खत्म हे लक्ष्मी देखाया पूजा ने इसका पत्नी उठाए वनवास, जब चंद्रमा खत्म हुआ तो राज्य में लड़ा
जी के ओझा ने स्थापन अमीर उठाया दिखाया स्थापन बंद करने के लिए। दूसरे पॉइंट पे आ गए, वो पॉइंट खत्म हो गया तो क्या हुआ? लोकापवाद, लोग कहते हैं लोगों को, लोगों के अंदर अगर अपवाद पैदा हो रहा है और ज्यादा लोगों के अंदर अपवाद पैदा हो रहा है तो उस अपवाद को शांत करना अच्छा है या बढ़ाना अच्छा है? तो उन्होंने शांत किया, बहुतों को सुख देना और एक दो आत्माएं दुखी हो जाए तो कोई अंतर नहीं। आपकी बात हो रही याद का पाए, याद करते करते भूल जाए, याद करेगा कैसे? क्या मुस्लिम लोग का हजार देता है उसे सुबह सुन जाते हैं ना, में भूल जाता है। याद करते करते सब भूल जाते हैं, ये नंबर वाले हैं। तो जो नंबर वाले हैं याद करने में अव्वल नंबर हैं, वो उतना क्यों नहीं भूलते? उसका कारण है कि 63 जन्मों में राम कृष्ण वाली आत्माओं के ज्यादा साथ रहे हैं, तो वो भूलना भी चाहे तो उनको भूलता नहीं है। और जो 63 जन्मों में राम कृष्ण वाली आत्माओं से दूर ही दूर होते रहे और विरोधियों का साथ देते रहे, तो कितना भी याद करना चाहे लेकिन उनको याद आता नहीं। इसलिए बोला बनी बनाई बन रही, अब कछ बननी ना। मुस्लिम लोग खुले चिल्ला चिल्ला के आ, तो मुसलमानों की बात हुई ना, ये मुसलमान जो है वो भगवान से दूर होते गए हैं या नजदीक रहे हैं? दूर होते गए, तो कितनी भी जोर से वो चिल्लाए वो नजदीक आ जाएंगे क्या? नहीं आएंगे। अब एक बात है बाबा, उनको आपका यहाँ से बाहर जाएगा तो भूल क्या, हम लोग बाहर जाएगा तो न जाओ बाहर ना। आपका पास में मेरे बाबा का पास में बैठा है, जब बाहर जाता है शंकर का बाहर तो क्यों जाते हो बाहर? साथ ही बने रहो ना, क्यों नहीं बनता? क्यों जाते हो बाहर? कुछ लड्डू पेड़ा मिलता होगा खास, कुछ लड्डू पेड़ा खास खाने जाते होगे तो बाहर जाते हो? बाहर जाते क्यों? न जाओ, जाना बंद कर दो। अरे बुद्धि में बात बैठ गई कि सत्संग से सत्ययुग में पहले पहुंचेंगे, तो सत्य का संग छोड़ना ही क्यों? कोई गले में बांध करके बैठा है क्या? नहीं, पेड़ को हमने पकड़ लिया, अब हम चिल्ला रहे हैं पेड़ हमको छोड़ता ही नहीं। बाहर जाना कंपल्सन तो नहीं है, चलो आज चार से साथ ही साथ हो जाओ। हाँ वेस्टर्न कंट्री को एटॉमिक पावर से विनाश हो गया है, वेस्टर्न कंट्री में एटॉमिक पावर से विनाश हो गया, उसका इफेक्ट भारत वर्ष में कैसे सब हो गया? क्रिश्चियन कंट्री का विनाश बाद में होगा, वो चतुर्थ विश्वयुद्ध है, लेकिन भारत में तृतीय विश्वयुद्ध पहले ही हो जाएगा, इसलिए जिसका पहले ही विनाश हो चुका है उसके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करने वाला है।
क्या हाँ जी भारत पाकिस्तान चीन मलाया बर्मा इंडोनेशिया ये सब आपस में लड़ेंगे। भारत वर्ष का पांच नाम है बाबा, एक इंडिया भारत वर्ष हिंदुस्तान आर्यवर्ष और भारत मतलब क्या होता है आर्यवर्ष का मतलब क्या होता है? वो तो अपनी अपनी भाषा के आधार पर नाम रख दिया, जब आर्य थे तो आर्यवर्ष नाम रख दिया, अब हिंदू है तो हिंदुस्तान नाम रख दिया, अंग्रेज इंडिया कहते हैं तो इंडियंस नाम रख दिया। हाँ बाबा एक बात आपने बोला है कि हमने भूल जाता नहीं है, ये बोलती आप ये बोलता ना क्या कि वो भोज माता लोग क्या भोज लोग क्या काम करता है बाहर का लोग सब भूल बाबा की याद देखो दुर्गा भूल हाँ वो हम बात बोल हाँ लोग चिंता चिंता कर वो दूर चले गए ना द्वापर युग से, द्वापर युग से जब से इब्राहिम आकर के प्रवेश किया, इब्राहिम के फॉलोअर्स ने जब से प्रवेश किया तब से उन्होंने उनकी दृष्टिवृत्ति को गंदा कर दिया, गंदी दृष्टिवृत्ति को देख करके जो सूर्य की आत्माएं हैं वो भड़क जाती हैं और उनको भगा के दूर देश में खदेड़ देती है, वो दूर हो गए। लॉर्ड और गॉड में अंतर क्या है? लॉर्ड और गॉड लॉर्ड 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 लैंड लॉर्ड लैंड लॉर्ड लैंड कहते हैं जमीन को, लॉर्ड 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 क्या अंतर है? लॉर्ड लॉर्ड कहते हैं मालिक को, लैंड का मालिक, जमींदार को कहा जाता है लैंड लॉर्ड, और वो है गॉड। भगवान जो है वो लैंड लॉर्ड नहीं है, मनुष्य लैंड लॉर्ड बनते हैं। बोलते हैं किसी को लॉर्ड क्यों कहा जाता है? लॉर्ड का डेफिनेशन क्या है? ये तो कृष्ण को क्रिश्चियंस ने कहा है लैंड लॉर्ड, वास्तव में लैंड जमीन को कहा जाता है, धरणी को कहा जाता है। ये अभी की बात है संगम युग की, संगम युग में ज्यादा धरणी किसके पास होती है? जो संगम युग कृष्ण है उसके पास धरणी ढेर की ढेर है, 16,000 गैया मानी जाती है, गोपियां मानी जाती है, वो धरणी है, धारणा करने वाली है, इसलिए वो लैंड लॉर्ड कह दिया है। बाकी सतयुग का बच्चा कृष्ण नहीं है लैंड लॉर्ड, जो संगम युग कृष्ण है वो लैंड लॉर्ड है। और बाबा 16,000 जो है उसमें 14 का मतलब नहीं है? नहीं आत्मा से सर आत्मा से 16,000 जो कंप्लीट है वो आत्मा का कंप्लीट है या लैंड आत्मा को कहा जाता है या आत्मा लैंड को धारण करने वाली होती है? लैंड माने जमीन, जमीन माने धरणी। 16,000 में मतलब गुरु चला वाले नहीं होते हैं? 16,000 में गुरु चला वाले क्यों नहीं होते हैं? गोपी होते हैं क्या या गोपियां ही होती है क्या? गोप भी धारणावान हो सकते हैं, गोपियां भी धारणावान हो सकती है। 16,000 गैया दिखाएंगे ना, तो फॉलो करना। हाँ गौ का ही रूप पृथ्वी माता का दिखाया जाता है, गौ में 16,000 देवी देवताएं समाये हुए हैं, उनका बड़ा रूप 33 करोड़ देवताएं भी दिखाए थे। भाव स्वभाव संस्कार की बात है, जो धारणा करने वाली आत्माएं हैं
राजयोग सिखाने के लिए जब भगवान आता है तो भगवान की सिखाई हुई बातों को धारण करने वाली आत्माएं कितनी निकलती है? 16,100। बाबा ज्ञान सूर्य और बृहस्पति वाला क्लियर नहीं होता है, क्लियर होता है। मैं आता हूँ तो ज्ञान सूर्य को देता हूँ। हाँ तो साकार में कुछ चाहिए ना, मैं आता हूँ तो नाम देता हूँ। मेरा नाम तो बिंदी है शिव, मेरा नाम बिंदी का नाम शिव है। और जितने भी नाम होते हैं वो शरीरधारियों के नाम पड़ते हैं, तो सूर्य नाम भी जब मैं शरीर धारण करता हूँ तब नाम पड़ता है सूर्य। एक ही नाम ऐसा है जो बिंदी का नाम है, आत्मा का नाम है, बाकी जितनी भी आत्माएं हैं वो जब शरीर धारण करती हैं तब उनके नाम पड़ते हैं। एक शिव नाम ऐसा है जो आत्मा का नाम है, उसे सूर्य नहीं कहेंगे, लेकिन जब वो शरीर धारण करता है तब सूर्य है। तो राम वाली आत्मा के द्वारा सूर्य बनते हैं? हाँ जी, क्यों बनते हैं? मतलब राम वाली आत्मा को सूर्य नहीं कहेंगे? राम वाली आत्मा जो है वो तो बच्चा है ज्ञान सूर्य का। जैसे बाप अपने बच्चे को बादशाही देता है ऐसे ही है, वो अपने बच्चे के द्वारा बाप का पाठ हो जाता है। हाँ जी, और बृहस्पति का पाठ कौन हो जाता है? दुनिया का बड़े से बड़ा पति कौन है? प्रजापिता। प्रजापिता पति है तो वो 63 जन्म में भी पति बन जाता है? बन जाता है? कब बनता है? जब सुप्रीम कोर्ट प्रवेश करता है तब दुनिया का बड़े से बड़ा पति, तेरे तुम्हारे पतियों का भी पति आया हुआ है। ज्ञान सूर्य में भी घर प्रवेश तो दोनों के साथ साथ सूर्य के चारों तक बृहस्पति चक्र लगाता है, है? सूर्य के चारों बृहस्पति तो चक्र लगाता है। हाँ, वो शरीर धारण करके लगाता है ना, जो शरीर धारण किया हुआ है वो चक्कर काटता है, वो तो ग्रह है। ज्ञान सूर्य का घर नहीं होता है अपना, ये तो घर वाला है बृहस्पति जिसे कहा जाता है। बाबा इसका दोनों पार्ट कैसे होगा? इसका दोनों पार्ट कैसे होगा? सूर्य होता है, चारों बृहस्पति भी होता है, दोनों होता है। एक साथ तीन आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं, तीन तरह के पार्ट हो सकते हैं एक साथ। हाँ, तो एक साथ दो नहीं हो सकते? महाभारी महाभारत में चक्रव्यूह का जो बात है वो चक्रव्यूह क्या है और अभिमन्यु का क्या मीनिंग होता है? अभिमन्यु का मीनिंग क्या है जो चक्रव्यूह में फंस गया जाकर के? अभिमन्यु का अर्थ है अभिमान है जिसके अंदर कि मेरे को पढ़ाने वाला भगवान है, मैं भगवान का शिष्य हूँ। मैं जिसका बच्चा हूँ उसका भगवान भी सारथी बनकर के रहता है। हम सब नहीं है अभिमन्यु। जो अभिमन्यु होता है वो सिर्फ नाम कमाने वाली बात है या प्राप्ति करने वाली बात है? नाम कमाए, प्राप्ति तो नहीं की। प्राप्ति जीते जी 5 पांडवों ने की भगवान से। वो चक्रव्यूह क्या चक्कर में आ गए जब ज्ञान नहीं धारण करेंगे, कोर्स नहीं लेंगे
भक्ति नहीं करेंगे, सिर्फ अहंकार ही अहंकार में रहेंगे कि भगवान हमारा शिक्षक है, भगवान से हम पढ़ने वाले हैं, भगवान हमारे बाप का जन्मदाता का नौकर है, सारथी है, तो झूठा अहंकार हो गया ना। भट्टी में तो चेंज हो जाना चाहिए ना, मतलब तो हो तब ना, सूर्यवंशियों की जो माँ है उसका नाम होना चाहिए ना। क्या जैसे भट्टी में निश्चय पत्र में देते हैं कि ये हमारे माँ है पिता है, तो वहाँ तो सूर्यवंशियों के माता पिता का नाम होना चाहिए। सूर्यवंशियों के माता पिता थोड़ों के माता पिता होंगे, सारे संसार के माता पिता होंगे, जो थोड़े के होंगे उनका निश्चय पत्र काय के लिए अलग से बनेगा। जो जगत पिता है, जगत माता है, उन्हीं में से ऐसे निकलेंगे जो हर वंश के निकलेंगे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसे वंश के निकलेंगे। ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंचे ऊंचे से ऊंचे वंश के निकलेंगे। बाबा, शंकर का जब बहु रूप धारण करता है, शास्त्र में आया है बहु रूप धारण करता है शंकर, तो एक वार्तालाप में बाबा ने बोला, वार्तालाप में बाबा ने बोला है कि शंकर बहु रूप धारण करता है, तो बहु रूप बच्चों को नजर में आएगा क्या? बच्चों को नजर में नहीं आता है। राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, ये तीन रूप हो गए। कहाँ राजा, कहाँ महाराजा, कहाँ प्रजा, कहाँ साहूकार, तो तीनों रूपों में पाठ नहीं बजाता। बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, मित्र भी है, संबंधी भी है, अनेक रूप नहीं हो गए। कोई कोई बच्चों में प्रवेश करके दृष्टि, कोई कोई बच्चों में प्रवेश करके दृष्टि से बातों से जो बात बजाता है वो बहुरूपी का बात बोला है ना बाबा, पार्वती को बहुरूप धारण करके दिया, ब्याह करके कोई कोई बातों में भी प्रवेश करके शंकर पाठ बजाते है, तो बहुरूपी का पाठ ऐसा भी हो सकता है। बच्चों में कौन प्रवेश करके पाठ बजाते हैं? बाबा, शिव बाबा प्रवेश करती है। सेवा अनेक व्यापी है, ये एक व्यापी है, एक व्यापी तो है, लेकिन बोला है ना कोई भी बात में दृष्टि से भी बाप दादा प्रवेश करते हैं। बाप दादा रामकृष्ण की आत्माएं अनेक बच्चों में प्रवेश करके पाठ बजाती है। शिव को सर्वव्यापी नहीं कहना है, मनसा देवी, मनसा देवी शंकर की बेटी है। पूजा पाने के लिए चांद पदकर को बहुत चली गई, लेकिन शंकर का और कितना भक्त है, पूजा नहीं लेने गई, आपको मारता है, मारता पूजा नहीं थी, चार फटक का जो पुत्र होता है उसको छह पुत्र थे, छह पुत्र को मार डाला, मंथन सीखा दे किसको दे, चांद सदागर चांद सदागर जो महादेव का भक्त है, जो महादेव का भक्त है उसको लड़का है वो मार दिया, कहाँ कहाँ की टीवी देख देख बाबा ने तो कहा मैं शास्त्रों में से
जो भूसा है उसमें से दाना निकाल निकाल के तुम बच्चों को सुनाता हूँ, तो भूसा में ही घुस जाओगे तो मेरे काम से बंगाल में मनसा पुराण बोल के एक पुराण है, उसी से बात कर रही है। हाँ, बंगाल में तो बहुत कुछ है, बंगाल का बाहर में तो मनसा पुराण का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन बाबा तो ये कहते हैं उन बातों पे विचार करो जो बातें मैंने बोली हुई है, शास्त्रों में तो बहुत कुछ है, बंगाल के शास्त्रों में भी बहुत कुछ होगा, लेकिन बुद्धि को रमण कहाँ कराना है। इन बातों में बाबा इशारा देते जाते हैं, उन बातों में बुद्धि को रमण कराना है, नहीं तो भूसे में खो जाएंगे। कलकत्ते में काली की पूजा होती है, तो काली का सवारी तैयार है, है? काली का सवारी तो तैयार है, झूठा मांस खाती है, है? तो फिर बंगाल टाइगर का नाम क्यों समझते हैं? है? बंगाल टाइगर नाम बंगाल सब तरह की भंग पी जाए, भांग बनाई तब जाती है जब उसमें सब कुछ मिलाया जाता है, तब वो नशीली बन जाती है, तो कहते हैं भंगड़े। और किसी का राजधानी बड़ा है, किसी का राजधानी बड़ा, राजधानी बड़ा खुदा बहुत और धन भी ज्यादा, किसी का और किसी के सिरे से, ये बारे में कुछ बोलिए। जो कम प्रजा बनाता है उसकी छोटी राजधानी, जो ज्यादा प्रजा बनाता है उसकी बड़ी राजधानी। ज्यादा प्रजा बनाता है लेकिन उसको अधिकारी बनाना है, बाप समान कम से कम बनाना है, फिर भी बाप समान बनाएगा तब तो ये बारे में और डिटेल समझे ना। अरे राजा होगा तो अकेला थोड़ा ही राज्य करेगा, उसके सहयोगी तो बनेंगे प्रजा वर्ग में से। प्रजा वर्ग में कोई एक जैसी प्रजा तो होती नहीं है, कोई फर्स्ट क्लास प्रजा होती है, कोई सेकंड क्लास होती है, कोई थर्ड क्लास, कोई फोर्थ क्लास। जो फर्स्ट क्लास प्रजा होती है वो बड़े बड़े राज्य अधिकारी बनते हैं। एक दो महीने जो क्लास में नहीं आएगा उसको भर्ती करने, एक दो महीने जो नहीं आएगा क्लास में, क्लास में नहीं आएगा, चलो गीता पाठशाला में जाओ, गीता पाठशाला का साधन नहीं है, नजदीक कोई गीता पाठशाला नहीं है। हाँ, तो दूर दराज तो है, अरे जिसकी दूर दराज गीता पाठशाला है वो महीने में एक बार जाए। अच्छा, बहुत दूर है 200-400 मील, तो 6 महीने में एक बार तो जा सकता है। अरे बहाने वाजिए क्यों बनाते हो। आदमी उनके लिए जिनके लिए गीता पाठशालाएं अवेलेबल हैं, गीता पाठशालाओं में भी क्लास नहीं कर रहे हैं, 7 दिन में भी एक बार क्लास नहीं कर रहे हैं, और मिनी मधुबन में भी 7 दिन में एक बार नहीं आते, उनके लिए बताया कि बिल्कुल करेक्शन ही कट किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं अगर 2 महीने चिट्ठी भी नहीं लिखते हैं तो बाबा समझते बच्चा मर गया, अब फिर जिंदा हो जाओ, जन्म मरण का चक्कर तो लगा ही देता। तो बाबा ने तो बता दिया मुरली में मर गया बच्चा। प्रजा फोकस के रूप में जन्म लेने वाला है, प्रजा प्रजा फोकस के रूप में, फोकस का मतलब क्या? मेहनत करके निकाली गई है प्रजा, ऐसे ही नहीं तैयार हो जाती है। बहुतों को संदेश देते हैं, उन संदेश देने वालों में जो लेने वाले हैं वो थोड़े से निकलते हैं, इसलिए
मनुष्य रूपेण जायते, जनता बहुत मेहनत से जन्म होता है, कहते हैं प्रजा। मूर्ख कहते हैं मूर्ख को, मति माने बुद्धि, उसकी बुद्धि मूर्ख हो जैसी हो तो कहते हैं मूढ़ मति। मुस्लिम भाई है सत्यनारायण का पूजा कर रहा है, सत्यनारायण का पूजा, सत्यनारायण की उसका मतलब क्या है, सत्यजी का पूजा सत्यनारायण, वो आखिरी जन्म में आके मुस्लिम बना है, बाकी उसके 62 जन्मों के संस्कार हिंदू या देवी देवताओं के। इसलिए किसी ने नारायण की महिमा सुनाई उसने पकड़ ली, सत्यनारायण की कथा करता है अपने घर में। बहुत से हिंदू हैं जो एक जन्म से कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम धर्म में, तो उनको मुस्लिम होते हुए भी हिंदुओं की धारणाएं ज्यादा अच्छी लगती है। बैठ करके तो उसने पूछा किया है बहुत सच है, जब भाष में बैठ करके पूछा है करते करते देखा यार उसने जब पसीना आया पसीना से इकट्ठा करके उसके बाद में पसीना इकट्ठा करके जो गणेश को पैदा किया। अलग अलग कथा कहानियां दिखाई गई है शास्त्रों में, सात लेखनों वालों ने कोई शास्त्र किस तरीके से लिख दिया, कोई शास्त्र किस तरीके से लिख दिया, किसी ने पसीने से लिख दिया होगा, लेकिन वास्तव में बात यह है कि ज्ञान स्नान जब किया तो ज्ञान स्नान करते समय जो मैल माटी निकलता है, गंध निकलती है, ईश्वरीय सेवा जब की जाती है ना, तो ईश्वरीय सेवा करते समय अक्सर ऐसा होता है कि देह अभिमान की गंध मिल जाती है ईश्वरीय सेवा के वातावरण में, तो उससे जो पैदाइश होती है वो देह अभिमानी सांडों की होती है, माने गणेश जैसों की होती है। उस अर्थ को दिखाने के लिए उन्होंने कथा कहानी का निर्माण कर दिया। इसीलिए अरे फिर वही बात अभी तो बताया कि जो सूंड है वो जानवर को होती है या देवताओं को होती है, जानवर को होती है, कान बहुत बड़ा बड़ा दिखाया। अरे जानवर के ही कान बड़े बड़े होते हैं, वो हाथी जैसा जानवर दिखाया गया जिसको देह अभिमान बहुत ज्यादा होता है, जब मेले मला खड़े होते हैं तो उन मेले मलाखड़ों में पार्वतियां होती हैं या भगवान भी होता है, कौन होता है, है? जो मेले मलाखड़े होते हैं उन मेले मलाखड़ों में जो सेवा की जाती है उन मेलों में भगवान का मिलन होता है या आत्माओं आत्माओं का मिलन मेला होता है, तो वहाँ देह अभिमान की जो गंदगी है वो इकट्ठी होगी या नहीं होगी, देह अभिमान की जो गंदगी इकट्ठी होती है उससे जो पैदाइश होती है जिन बच्चों की वो गणेश के समान पैदा होते हैं। परिवार जब अखला में जाने का बंधन डालते हैं तो क्या करें, तो याद करो कि हमने पूर्व जन्म में इनको सत्संग में जाने के लिए बंधन डाला होगा, तो ये हमको बंधन डाल करके हमारा जो बोझ है वो हल्का कर रहे हैं, हम पूर्व जन्म के बोझ से हल्के हो रहे हैं, बहुत खुश हो जाओ, हमारा बोझ हल्का हो गया, और ज्यादा बाबा को याद करो, इसमें बजट ज्यादा होगा
वो तेज दौड़ेगा या जिसका वजन हल्का होगा वो तेज दौड़ेगा। तो वजन हल्का हो गया और ज्यादा याद करो, याद की दौड़ में और ऊंचे चले जाओ, उड़ जाओ। हाँ, अग्नि परीक्षा कोई दूसरी नहीं होती है, कामाग्नि में डालने की ही परीक्षा अग्नि परीक्षा है। जो काम की अग्नि है वही अग्नि परीक्षा है। कोई बोलते हैं कि नारी नरक का द्वार होता है, उसको क्या जवाब देना चाहिए? नारी नरक का द्वार, जो सन्यासी कहते हैं, सन्यासी कहते हैं नारी नरक का द्वार है। तो अगर नारी नरक का द्वार है तो पुरुष कौन से स्वर्ग के द्वार बन गए? नारी अगर नरक का द्वार है तो भागता कौन है? नारी भागती है या दुर्योधन दुशासन पुरुष भागते हैं? तो कमजोर भागता है या बलवान भागता है? कौन भागता है? हाँ, तो प्रमाणित करके दिखाओ। तुमको कैसे प्रमाणित हो गया? तो आंसर तो वो ज्ञान को ही प्रमाण कहते हैं। ज्ञान को नहीं मानते तो तुम उनको मत मानो। अरे बाबा ने तो बोल दिया ना, लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना है, हम उनको नहीं मानते। हमको अगर धार्मिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो हम कोर्ट में चढ़ जाएंगे। खराब बात है अच्छी बात है? माँ काली का रूप धारण कर लेंगे। मरने के बाद सब आत्मा को समझ आती, दोबारा जन्म ले लेती, और क्या परिणाम चल जाती है? वो तो अकाले मौत होती है, वो भटकती है सूक्ष्म। सुनाओ, ये कभी कभी हल्ला भी मचाने लगते हैं, कभी कभी ज्यादा मतलब अवांत भी कर देते हैं। अच्छा, तुम शांत रह करके उनको सुनाओ। हाँ बोलो। नष्टोमोहा की परीक्षा कौन सा है? कोई बिघन डालता है परिवार में कि नहीं? सब बिघन डालते हैं। तो जो बिघन डालते हैं उन बिघन डालने वालों का मुकाबला नहीं कर पाते, ज्ञान से नहीं करते, यही मोह है। चाहे विश्व किशोर हो, चाहे मनोहनी दीदी हो,
वो भी हैं जिन्होंने भी बेसिक में अधूरा ज्ञान लेकर के शरीर छोड़ा है, वो एडवांस वालों में प्रवेश करके उनके कार्य का विरोध करती है। आप आत्म की स्थिति में रह करके उन आत्माओं को आत्मा आत्मा भाई भाई समझ करके, ये भी हमारे परिवार के बच्चे हैं, उनको शुभ भावना शुभ कामना से आएंगे डूब जाएंगे। हित आने हित पशु पक्षी उजाना, जो पशु पक्षियों की आत्माएं होती हैं वो भी हमारा हित और अनहित किसमें है वो पहचान लेती है। तो ये तो मनुष्य आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं भी वाइब्रेशन को पकड़ती है, सृष्टि के प्यार को पकड़ती है, सृष्टि की घृणा को पकड़ लेती है। उसे लाल आंखों से बात करोगे तो वो और ज्यादा लाल आंखों से बात करेंगे। क्यों टोली टोली देना कि नहीं देना? अरे दूर से कोई आता है तो उसको अपने परिवार में आकर के खाना खाने का हक नहीं है, दूर से आया। अरे भाई ऑफिस में रोज जाते हैं, घंटे दो घंटे का सफर करके ऑफिस में जाते हैं तो अपने टिफिन कैरियर ले जाते हैं, कोई हर्जा नहीं। लेकिन जो आदमी चार पांच घंटे दूर से आया हुआ है उसको अपने परिवार में आकर के खाना खाने का हक नहीं है, ये क्या बात है? सब पूछने की भी बात नहीं। खान पान उनके लिए नहीं है जो नजदीक से ही आ रहे हैं, जो दूर से आ रहे हैं चार पांच घंटे से दूर से आ रहे हैं, चार पांच घंटे आने में चार पांच घंटे जाने में और तीन घंटा यहाँ क्लास किया, तो खाने के लिए नहीं पूछ रहे हैं। कोई नहीं पूछता है, कोई मना नहीं करता है, कौन करता है मना इस बात के लिए? उल्टा उल्टा ज्ञान उठाया हुआ है। जो लोग ज्ञान नहीं सुनाना चाहते, ज्ञान ज्ञान की बातें नहीं करना चाहते, सिर्फ खाना खिला करके खुश कर देना चाहते, अपने घर का संगठन बढ़ाना चाहते हैं, वो इस तरह की बातें उठाते हैं। अरे यहाँ तो इतना सहज कर दिया है जगन्नाथ का भंडारा, दाल बनाओ चावल बनाओ अच्छा खिचड़ी बना दो, क्या लगता है? लेकिन सबके लिए जरूरत नहीं है, खामा खाने में ही सबकी बुद्धि चली जाती है। जो दूर से आते हैं उनके लिए बताया, टाइम लग जाता है तो मैं जानना। एक बात को बीस बार क्यों दोहराना, जो दूर से आते हैं उनको पूछना चाहिए कि आप इतने दूर से आए खाना खा लीजिए। और আমার ছেলেকে মানে কোন জায়গা প্রথম থেকে ধরে দিয়ে ওর দিয়ে কি বললাম মিট্টি কে অন্তর তক কে ভেজে যন্ত্র ভেজে হ্যাঁ
सबसे शक्ति वाले पत्थर का कड़ को ढूंढने के लिए उसका नाम दिया है ईश्वर कण। उसका वेद में अर्थ क्या है? क्या साइंटिस्ट वालों ने पृथ्वी के अंदर अंदर तक यंत्र डाला है और सबसे शक्तिशाली पत्थर का कण ढूंढा है, अणु। उस अणु का नाम दिया है ईश्वर कण। उसका भेद में अर्थ क्या है? ये अणु ज्ञान का अणु होगा या स्थूल अणु होगा? ज्ञान का अणु होगा। जो ज्ञान का अणु गुहिया गुह्य तरंग ज्ञानम वाला होगा वो अति गहराई में जाकर के बुद्ध रूपी धरणी में मिलेगा या बार बार ऊपर ऊपर मिल जाएगा? अति गहराई में जाकर के जो बुद्धि ज्ञान योग्य है वो ही उसे पहचान पाएगी। चलेगी तो झारखंड वालों को कैसे बताया जाएगा?